हेलो मेकअप लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज, आज इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ एक ब्यूटी टूल, ब्यूटी गैजेट का रिव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं, आपने बहुत सारी बार उसे देखा होगा, समटाइम्स शॉप पे देखा होगा, समटाइम्स वीडियोज में देखा होगा जो गर्ल्स मसाज करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ आपको ये तो पता चल गया होगा क्या चीज है। मैं आपको बता देती हूँ, वो है 5-in-1 ब्यूटी केयर मसाजर, जो कि कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है। मैंने मीशो से इसे परचेज किया है, 242 रुपीज का मुझे ये रिसीव हो चुका था कल। मैं फर्स्ट ट्राई इसका करना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसा वर्क करेगा या क्या इसकी क्वालिटी है क्या नहीं। बस मैंने इसे पैकिंग खोल के देखा था कि सारे अटैचमेंट्स जो हैं वो फाइन है कि नहीं, कहीं डैमेज तो नहीं है, मुझे इसका रिटर्न तो नहीं डालना पड़ेगा। जस्ट इतना ही, इसे अब तक मैंने यूज नहीं किया है, तो आज आपके सामने मैं इसे यूज करने वाली हूँ, अपना ऑनेस्ट वाला रिव्यू देना चाहती हूँ आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के इंट्रो को लंबा किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये कुछ इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में है। इसके ऊपर कोई बबल रैप नहीं आया था, जस्ट उन्होंने बॉक्स में ऐसे ही रख रखा था इसे। एंड यहाँ पे इसके सारे टूल्स जो इसके अटैचमेंट्स आपको मिलते हैं उनको मेंशन किया गया है यहाँ पे, और साइड में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको बैटरी कैसे ऑपरेट करनी है, इसके अंदर इसे कैसे यूज करना है। बस इसमें और कोई भी मैनुअल या कोई भी इंस्ट्रक्शन बुक पेपर कुछ नहीं आया था, सिर्फ एक अटेंशन आया था कि आपको इसको वाटर के नीचे नहीं रखना। डायरेक्ट यहाँ पे एक अटेंशन आया था कि आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट वाटर, रनिंग वाटर के नीचे आप इसे यूज नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज मसाजर है, इलेक्ट्रिक चीज है, खराब हो जाएगी। बस इसके संग यही था और कुछ भी नहीं था कि इसके टूल्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई अंदर, कुछ भी नहीं, अंदर खाली है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, कुछ देखने में इस तरीके का लगता है, वीडियो में या इमेजेस में थोड़ा सा ये बड़ा लगता है साइज में, इतना छोटा सा नहीं लगता, ये बहुत छोटा सा है, जस्ट इतना सा ये टूल है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसका एक अटैचमेंट इसी के संग लगा हुआ आया है एंड 4 अटैचमेंट्स इनके अलग अलग कंपार्टमेंट में है। एक तो है ये ब्रश जो कि काफी हल्की क्वालिटी का है और ये कुछ इस तरीके से डिटैच हो जाता है, आप देखिए फॉल आउट भी हो रहा है, ये फॉल आउट हो रहा है। और प्लास्टिक बहुत हल्की है, ऐसा नहीं कह सकते बहुत सॉलिड या हैवी हो, बहुत क्यूट सा, हैंडी सा है, ट्रेवल फ्रेंडली है, ठीक है, लेकिन 242 रुपीज में इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम इससे। इसके ब्रिशल्स जो है वो इक्वल नहीं है, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तो इसके ब्रिशल्स इक्वल नहीं है, मुझे इसे कट करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। एंड थोड़ा बहुत फॉल आउट भी इसमें है, इसमें थोड़ा बहुत फॉल आउट भी है और ये काफी हार्श है, सॉफ्ट नहीं है। अगर इससे फेस पे मसाज करें या मेकअप क्लीन करने की हम सोचें तो सॉरी, ये बहुत ज्यादा हार्श हो जाएंगे आपके फेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टूल की हम बात करते हैं, ये मेरे पास है यहाँ पे स्पंज वाला, जिसे हम ब्यूटी ब्लेंडर का रबड़ होता है, स्पंज होता है, कुछ इस तरीके का स्पंज है यहाँ पर, और बड़ा इजिली डिटैच और अटैच हो जाता है, ये इस तरीके से डिटैच कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट सेकंड वाला, आप जो भी आपको टूल यूज करना है आप उसे इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर ऑन ऑफ का आपको यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, ऑफ, लो एंड हाई, इसमें यानी 2 आपको सेटिंग्स दी हुई है लो एंड हाई की, मीडियम कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहां से ओपन करके आप इसमें बैटरी डाल सकते हैं, यहां से 2 सेल्स पड़ेंगे, मैं संग लेके बैठी हूँ, ये है एवरेडी के सेल्स है, मे बी शायद ये AAA बैटरी होती है, नहीं AA बैटरी होती है ये वाली, तो इसे हम यहाँ पे डालेंगे। एंड इसे फर्स्ट ऑन करके देखते हैं, ये लो इसकी स्पीड है एंड ये हाई, थोड़ा सा साउंड के संग आपको मिलेगा ये टूल, इसमें साउंड आ रहा है एंड वाइब्रेशन है, ये हिल रहा है अपनी जगह से, आप देख सकते होंगे, तो ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट हो रहा है, ये स्थिर नहीं चल रहा, बिल्कुल लेवल पे नहीं चल रहा, थोड़ा सा हिल रहा है ये, शायद ऐसे ही चलता हो, ठीक है। एंड लो एंड हाई में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मैं आपको बता दूं तो लो एंड हाई समथिंग समथिंग 1 cc है। नेक्स्ट मैं उसकी बात करती हूँ, यहाँ पर ये हमें मिल जाता है सैंड वाला, जिससे आप अपने, जैसे समटाइम्स यहाँ पे आपके डेड स्किन आ जाती है, यहाँ डेड स्किन आ जाती है, ये आपके फुट्स पे डेड स्किन आ जाती है, एंकल्स पे आ जाती है, तो उसे रिमूव करने के लिए ये टूल दिया हुआ है, ये हेड दिया हुआ है आपको डेड स्किन रिमूव करने के लिए। फिर आपको एक मिल जाता है ये कुछ इस तरीके का स्पंज कह सकते हैं, इसमें देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, ये है लेटेक्स सॉफ्ट वाला, ठीक है, ये वो वाला हो गया, ये है मेकअप क्लीन स्पंज, ये मेकअप क्लीन करने के लिए दिया हुआ है इसमें, मुझे नहीं पता है कितना वर्क करेगा, आपके सामने इसका डेमो करेंगे। ये मेकअप क्लीन करने के लिए बिल्कुल ऐसा स्पंज है, इसे किसी पैकिंग में आता है ना उसे ऐसे ऐसे तोड़ के फेंक देते हैं, वो वाला स्पंज है, बिल्कुल लोकल वाला,
क्वालिटी सो सो सी है, अकॉर्डिंग टू प्राइस मैं इसको 50-50 मार्क्स दूंगी, मैं नहीं कह सकती। एक अटैचमेंट है, एक इसमें हेड है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, वो है ये मसाजिंग वाला, जिसके अंदर आपको 4 बॉल्स मिल जाएंगे और जो कि 360 रोटेट होते हैं, और ये मसाजिंग टूल है। आई नो इसको आईज के आसपास चीक्स पे या नेक पे आप मसाज कर सकते हैं, रिलैक्सिंग के लिए है। तो फर्स्ट ऑफ हम इसे ट्राई कर लेते हैं। मैं यहां पर यूज कर रही हूं ये स्पंज वाला, ब्यूटी ब्लेंडर वाला, जिससे हम अपने फेस पे फोम क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं इसे पहले पानी में थोड़ा सा डिप कर लूं, सिर्फ हेड को डिप करना है, ज्यादा नहीं। और इस पर थोड़ा सा मैं अप्लाई करूंगी अपना फेस वॉश। यहाँ पे फेस वॉश मैं ले रही हूँ लेयर वाटर गर्ल का, ब्लू वाला वर्जन है ये, मलबरी एंड लिक्योर आइस वाला। तो ये मैंने भी अभी फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया, इससे ज्यादा मैंने कभी यूज नहीं किया, मैंने कभी देखा ही नहीं था वाटर गर्ल का कोई फेस वॉश भी आता है। तो इसे थोड़ी सी अमाउंट में ले रही हूं मैं एंड डायरेक्ट इसी के ऊपर अप्लाई कर रही हूं, देखते हैं ये फोम क्रिएट करेगा कि नहीं। आई विश कि ये फोम क्रिएट कर दे। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैं आपको बताऊं प्रेशर बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन ये आपके फेस से ना उल्टी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। अगर मैं ऐसे चलाना चाहूं तो ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है एंड स्पीड बहुत कम है, बहुत कम। मैं अगर इसको हल्का सा भी प्रेस करूंगी ऐसे तो ये आप देख सकते हैं बंद हो गया, अब चलेगा। तो मतलब ये इतनी हल्की स्पीड पर चल रहा है, ठीक है। फोम लेदर बहुत थोड़ा थोड़ा क्रिएट कर रहा है। मैं फेस वॉश करके देखती हूँ इससे। ये बहुत अच्छे से फोम क्रिएट नहीं कर पा रहा है, और जहां तक मैं देख रही हूं इसको बहुत ज्यादा ही कुछ जेंटल है, क्योंकि ये प्रेशर तो बिल्कुल भी क्रिएट नहीं कर रहा है, और हल्का सा भी टाइट करने पे ना ये बंद हो जा रहा है, मतलब प्रेशर नहीं कंट्रोल कर सकता ये आपको। तो फर्स्ट मैं अपने फेस को पहले वॉश कर लूं, अदरवाइज ये सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, तो मैंने फेस अपना वॉश कर लिया है, मुझे आखिर में हाथ से ही इसे मसाज करना पड़ा फेस को। एक चीज इसमें और है कि आपको इसको वॉश करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है पानी के नीचे रखा और धुल गया। स्पंज है तो आपका जो फेस वॉश है वो अब्सॉर्ब कर लेगा। अच्छा, मैंने एक वीडियो में देखा था कि किसी ने इसे ट्राई किया था फाउंडेशन अप्लाई करने का, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इससे फाउंडेशन भी अप्लाई नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ये रोटेटिंग है और फ्लॉलेस वाला जो आपको मिलता है टेक्सचर वो डैप करने पे ही मिलता है, ऐसे 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 स्क्रॉल करने पे, राउंड राउंड करने पे नहीं मिलता। तो मेरी साइड से ये वाला हेड बिल्कुल वेस्ट है, ना तो इसने लेदर क्रिएट किया, ना इसने फेस अच्छे से वॉश किया, ये वाला पार्ट बच गया नोज का आपका, ये देख सकते हैं यहाँ पे रह जाएगा, ये कॉर्नर्स पे, ये वाले कॉर्नर्स पे है, जो आप अपने फिंगर्स से अच्छे से कर सकते हैं या मैनुअली कर सकते हैं ब्रश से, वो ये वाला तो नहीं कर पाएगा। सो ये हेड बिल्कुल मेरे लिए वेस्ट है। सेकंड मेरे पास है यहाँ पे सेकंड वाला स्पंज, फर्स्ट तो ये लेटेक्स वाला हो गया जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर जैसा होता है, एंड सेकंड ये वाला है। ये यहाँ पे दिया हुआ है मेकअप स्पंज फॉर मसाज एंड क्लीन योर स्किन, तो ये भी ट्राई करके देखते हैं क्या ये फेस वॉश के लिए वर्क करेगा, क्योंकि क्लीन योर स्किन लिखा हुआ है, तो लेट्स ट्राई कि ये फेस वॉश के लिए वर्क करेगा कि नहीं। अदरवाइज तो ये सारे ही फेस वॉश के लिए भी वर्क करने चाहिए, ऊपर वाले पे भी ये लिखा है जो हमारा ये फर्स्ट वाला था आईज एंड चीक्स के लिए, इसने वर्क नहीं किया आईज एंड चीक्स के लिए। अब सेकेंड वाला ट्राई करके देखते हैं, फर्स्ट में से पानी में डिप कर लेती हूँ एंड मैं अब इसे फेस पे यूज नहीं करूंगी, क्योंकि बार बार फेस वॉश करना पड़ेगा, मैं इसे हैंड पे यूज कर लूंगी। सो लेट्स ट्राई। ओके, उस वाले से तो बेटर फोम क्रिएट कर रहा है ये, लेकिन स्किन पे, आपके फेस पे ये हार्श होगा, टू बी ऑनेस्ट हार्श होगा, क्योंकि ये वो वाला स्पंज नहीं है जो सॉफ्ट हो, ये हार्श होगा। और ये मेरे हाथ पे इस वाली साइड को इतना हार्श फील हो रहा है, तो ये आपके ऑब्वियसली बात है चीक्स पे हार्श होगा ही होगा। ये देखिए सारा प्रोडक्ट इसी के अंदर है, मेरे हैंड पे बहुत थोड़ा सा ही है। अब इसे वॉश करते हैं, इसे दबा दबा के आपको वॉश करना पड़ेगा,
तो इतनी मेहनत तो आपको इसको वॉश करने में ही लग जाएगी। एक अटैचमेंट निकालो फिर वॉश करो, निकालो फिर वॉश करो। ये एक टूल की तरह तो वर्क नहीं कर रहा, ये टॉय की तरह वर्क कर रहा है। सो ये वाला हेड भी बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रहा मेरे लिए। मुझे नहीं पता कि जिन लोगों ने इसे यूज किया है, जो कर रहे हैं, वो कैसा इसका संग एक्सपीरियंस रखते हैं। बट मैन्युअली ज्यादा आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं अपने हाथ से या किसी और ब्रश से। अच्छा, एक ब्रश और है जो कि ब्रिशल्स वाला है, जिसके ब्रिशल्स मैंने अभी देखी, अगर आपको शो हो रहा होगा मेरे फिंगर पे है ये तो ये फॉल आउट हुआ है, और काफी सारा यहाँ मेरी टेबल पे भी पड़ा हुआ है, ये फॉल आउट हुआ है और अभी भी काफी सारा ये ब्रिशल्स इसके ऊपर निकले हुए हैं। तो लेट्स ट्राई। यहाँ पर एक पिक्चर मेंशन है, मुझे पहले लग रहा था ये फेस के लिए होगा, लेकिन ये फेस पे बहुत हार्श है, चुभ रहा है ये। ठीक है, अब मैंने इसको पिक्चर में देखा तो यहाँ पे ना ये हैंड क्लीन कर रही है इस वाले ब्रश से। तो लेट्स ट्राई कि ये हाथों के लिए है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन भी है सॉफ्ट ब्रश पर। सॉफ्ट तो ये नहीं है, लेकिन और भी लिखा हुआ है कि आपके जो क्लिंग्स हैं सरफेस पे उसे क्लीन करेगा, यानी जो आपके हाथ पैरों पे धूल मिट्टी है, क्लिंग्स डर्टीनेस है, उसे क्लीन करेगा। तो लेट्स ट्राई ये वाला हेड भी। दो हेड तो फेल हो चुके हैं, ये थर्ड है, और ट्राई करते हैं फेस वॉश। लगता है आज ही खत्म जाना है फेस वॉश। लेकिन हाँ, मैं इस फेस वॉश के बारे में आपको एक छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ। बड़ा ही अच्छा फेस वॉश है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, बहुत लाइट है, मॉइस्चराइजिंग लगता है, बहुत हार्ड, मतलब ऐसा लग रहा है कि टूथब्रश से ना बहुत कसकस की कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्श है। हाथ पैरों के लिए तो फिर भी आप चला लोगे, फेस के लिए तो आप इसे नहीं चला सकते, छिल जाएगा फेस, इतना ज्यादा हार्ड है। ये वाली फोम अच्छे से क्रिएट कर रहा है, ये वाला ब्रश जो है फोम बहुत अच्छे से क्रिएट कर रहा है, एज यू कैन सी। लेकिन इसकी प्रेशर बहुत कम है, अगर मैं इसे ऐसे कस के रोक लूं तो ये रुक जाएगा, थोड़ा सा भी आप इस पे प्रेशर नहीं डाल सकते। सो देखते हैं, कंपैरिजन करूंगी अपने दूसरे हाथ से, क्या ये अच्छे से इसने क्लीन कर दिया है कि नहीं किया, क्योंकि टैनिंग भी बहुत हो रही है इस वक्त तो हाथ पैरों पे। सो 19-20 का आपको अंतर देखने को मिल जाएगा, सिर्फ 19-20 का, कि अभी वॉश हुआ है। अगर मैं नॉर्मली भी इसको वॉश करती शायद ये भी ऐसा ही होता, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये थोड़ा सा ब्राइट इसलिए जस्ट बिकॉज नेल पेंट लगी हुई, अगर आप ऐसे देखेंगे तो 19-20 का सही अंतर है, जस्ट बिकॉज अभी बिल्कुल अभी भी वॉश हुआ है, और ये सुबह का वॉश हुआ हुआ है बेचारा मेरा हैंडू। तो ठीक है, अब इसको हेड को मैं 50-50 मार्क्स दूंगी, धोके देख लेते हैं कि इसे चालू करके ऐसे धोके देखती हूँ कितनी जल्दी धुलेगा कि नहीं धुलेगा। लेकिन यार ये अगर बैटरी ऑपरेट है तो बहुत ज्यादा बैटरी खींचेगा, बहुत जल्दी जल्दी बैटरी डेड हुआ करेगी इसकी। ठीक है, ऐसे रोटेट करके किया तो ये क्लीन हो गया है, लेकिन बहुत हार्ड है, आप इससे हाथ पैर साफ कर सकते हैं। हाँ, मैनिक्योर पेडिक्योर में आपके नेल्स एंड हैंड्स तो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे ये वाले हेड से, ये वर्थ ही है, ये वाला हेड वर्थ ही है। मुझे लग रहा था कि शायद स्पंज वाला ज्यादा अच्छे से काम करेगा, लेकिन उसने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपने फोर्थ वाले हेड की, जो कि है हमारा डेड स्किन रिमूवर वाला। तो लेट्स ट्राई, डेड स्किन कहाँ हो रही है, कहीं पे भी नहीं हो रही डेड स्किन, तो देखते हैं। हमारे स्किन के सबसे हल्की स्किन होती है यहाँ पे, ये हड्डियों पे, तो मैं इसको यहाँ ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि मुझे, मैं इसको लेके बिल्कुल, आप देख सकते हैं मैं इसको ऐसे रखी हुई हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। तो मैं श्योर हूं कि ये मेरे पैर पे भी वर्क नहीं करेगा, तो मैं अभी इसको हैंड टू हैंड ही यूज करके देखती हूँ अपने पैर पे, और मुझे नहीं लगता है कुछ करने वाला है। नो, इसने कोई वर्क नहीं किया, इनफैक्ट और ज्यादा स्लो हो गया है पैरों के पास जाके, तो मतलब एंकल पे तो बहुत ज्यादा ही स्लो हो गया है, इसने जरा सा भी प्रेशर देते ही बंद हो जाना है, वर्क नहीं कर रहा, ये भी बेकार है। लास्ट मेरा फेवरेट हेड है मसाजिंग वाला, इसे ट्राई करके देखते हैं। थोड़ा सा साउंड है इसके अंदर, क्योंकि इसकी बॉल्स जो है वो अलग अलग घूमती हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग है।
चलो ठीक है, मसाजिंग पे हम इतना ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे, लेकिन बाकी चीजों पे तो हम इतना ज्यादा प्रेशर देंगे, थोड़ा सा तो प्रेशर देंगे, वो भी नहीं कर पा रहा। तो मेरे लिए तो ये टूल अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइज नहीं करूंगी, बिल्कुल जीरो एडवाइज करूंगी कि इसमें आप अपने 242 रुपीज भी क्यों डाल रहे हैं। इसके बजाय आप कोई मैनुअल वाला ले लीजिए या फिर अच्छे वाले ब्रांड पे चले जाइए। बट मेरी तरफ से थम्स डाउन है इसको, एंड आई होप आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर रिव्यू अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।